वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। ऑस्ट्रेलियन लीग का एक मैच हो रहा है जो कि खेला जाएगा पर्थ ग्लोरी वर्सेस न्यू कैसल जेट्स के बीच 2 घंटे 6 मिनट के बाद। तो बात करें, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें इस मैच की तो पर्थ ग्लोरी और न्यू कैसल जेट्स में अगर देखा जाए तो वी आर फेवरिंग न्यू कैसल जेट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँ गाइस अगर गोल कीपर की, यहाँ पे लूँगा ब्रैडले जॉन्स को। ब्रैडले जॉन्स जो कि 2 बार से खेल रहा है, मतलब सीजन की शुरुआत भी इसी ने की थी, बीच में इंजर्ड हो गया था तो इसकी जगह लियाम रेड्डी और सी कुक को खिलाया गया। बट मेरे को सबसे बढ़िया गोल कीपर पर्थ ग्लोरी का बी जॉन्स ही लगता है, भले कोई भी कैसा भी गोल कीपिंग करे। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ डी लैचमैन की, देन लैचमैन को जान के ले रहा हूँ क्योंकि पर्थ ग्लोरी का मुझे इसके इस प्लेयर के बजाय मुझे कोई भी मिडफील्डर मिल सकता है, लेकिन मैं जान पूछ के नहीं ले रहा क्योंकि गाइज मैं आपको बता दूँ, जो डिफेंडर कर सकता है देन वो मिडफील्डर नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात है, अपना अपना काम होता है हर प्लेयर का। सो मैं इस प्लेयर के साथ जुर्मन की बात करें, जुर्मन थोड़ा फ्लॉप तो हुआ पिछले दिनों में, मानता हूँ आई एग्री, लेकिन प्लेयर को भूलो मत, जुर्मन कब अपनी फॉर्म में आ जाए कुछ नहीं पता गाइस, ये तो कोई भी नहीं जानता क्योंकि जुर्मन एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर है और जिस बंदे को एक्सपीरियंस होगा वो मारेगा, सीधी बात है वो गोल करेगा। क्योंकि आपने उस दिन ही देखा होगा कि MS धोनी को अपने फर्स्ट CSK मतलब इस सीजन के फर्स्ट मैच में ही 50 करते हुए, जबकि वो सारा कमाल किसका है, एक्सपीरियंस का। एंड आगे से अगर मैं बात करूँ LC की, देन यहाँ पे लूँगा जॉर्डन LC को। देन जॉर्डन LC की भी डिफेंडिंग एकदम सही है, सो मैं इस प्लेयर को एज अ सेकंड डिफेंडर ले रहा हूँ। एंड आगे से बात करें डी इंगम की, देन यहाँ पे लूँगा डी इंगम को। डेन इंगम वॉज डूइंग 4th डिफेंडिंग, लेट्स सी कैसा खेलता है। आगे से अगर हम बात करें थुरकटे की, देन थुरकटे का लास्ट सीजन बहुत अच्छा था, ये सीजन भी उससे भी बढ़िया जा रहा है क्योंकि थुरकटे की शुरुआत ही अच्छी हो गई थी, थुरकटे की शुरुआत ही एक असिस्ट से हुई थी सीजन की। और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, शुरुआत अच्छी हो तो गाइज अंत भी अच्छा होता है, मतलब सीजन का एंड। एंड डी पेना की बात करें, देन यहाँ पर है डैनियल पेना को लोग कैप्टन रख रहे हैं तो वो लायक है। अगर आप इसे कैप्टन रखते हो तो इसमें कुछ गलती नहीं है भाई, वो कैप्टन बनने के लायक है, वो कैप्टन वाली गेम खेल कर सकता है। क्योंकि डी पेना को मैंने भी खेलते देखा है, बहुत ज़्यादा अच्छा खेलता है, एक्सपीरियंस बढ़ चुका है इस प्लेयर का बहुत ज़्यादा, और उसके से डी पेना बहुत बढ़िया असिस्ट करता है। एंड सी टीम्स की बात करें, देखो सामने वाले टीम्स के भी प्लेयर लेने ज़रूरी है, तो टीम्स को लिया मैंने, बी ओनील को नहीं लिया क्योंकि बी ओनील अभी श्योर नहीं है खेलेगा नहीं खेलेगा, सो तब तक के लिए सी टीम्स को सेव कर लो। एंड आगे से बात करूँ फॉर्नली की, फॉर्नली कल के मैच में वर्ल्ड कप क्वालिफाइज लीग के अंदर खेलने गया हुआ था अपनी नेशनल टीम की तरफ से, तो मैं शायद ये प्लेयर ना खेले और अगर नहीं खेला तो हम ड्रॉप करके इसकी जगह कोई और प्लेयर ट्राई करने की कोशिश करेंगे, बट तब तक के लिए यू हैव टू सेव। बी माइक की बात करें, बी माइक को पिछले मैच में खिलवाया गया, इसकी जगह नेक्स्ट प्लेयर जो कि है गाइज आर्ची गुडविन। तो मुझे नहीं पता कि आज बॉमल और जी बी माइक और ए गुडविन में से कौन से दो खेलेंगे, क्योंकि इन दोनों में से जो भी दो प्लेयर खेलने वाले हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त गोल्स करने हैं, जबकि हो सकता है कि आर्ची गुडविन खेल जाए क्योंकि गुडविन ने पिछले मैच में 2 गोल किए थे सिर्फ 66 मिनट के अंदर, जबकि बी माइक से भी अच्छा खेला था। आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है बी माइक, वाइस कैप्टन है पेना। अभी मैं गुडविन को टीम में तो ले रहा हूँ बट कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं रख रहा, लेकिन अगर आप ब्रैंडली खेल रहे हैं देन यू कैन ट्राई वाइस कैप्टन टू गुडविन। एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।